सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का अनुरोध, राहुल गांधी ने दिया जवाब। राज्यों के पुलिस मुखिया के साथ अमित शाह की हाई लेवल बैठक, सुरक्षा व्यवस्था का लेंगे जायजा। अब पंजाब में दो लड़कियों को पुलिस की गाड़ी ने नौंदा, गुस्साए लोगों ने जाम किया हाईवे। दिल्ली में इस साल डेंगू से पहली मौत, अब तक कुल मरीजों की संख्या 723 पर पहुंची। जिन्ना के साथ थे सरदार पटेल, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में नेता के बयान पर विवाद, दिग्गजों ने कराया चुप। किसानों ने रेलवे ट्रैकों पर जमाया कब्जा, कई ट्रेनों हुए कैंसिल, हजारों यात्री रहे परेशान। पाकिस्तान की तरह चीन पर भी करो सर्जिकल स्ट्राइक, संजय राउत बोले कश्मीर के बिगड़ रहे हालात। पश्चिम एशिया में बढ़ेगी भारत की धमक, अमेरिका इसराइल के साथ बन रहा एक क्वाड संगठन। दलित संगठनों ने खटखटाया एनसीएससी का दरवाजा, हाई लेवल जांच की मांग। यूएलएफ ने ली बिहार के मजदूरों पर हमले की जिम्मेदारी, कहा सब निकल जाओ वरना पड़ेगा भारी। बारिश ने बदला देश के मौसम का मिजाज, कहीं 72 तो कहीं 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी। ट्रेन से सफर करने वालों के लिए गुड न्यूज, जन साधारण टिकट बुकिंग सेवा फिर शुरू। बारिश हुई जलभराव के कारण दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर लगा जाम, पुलिस ने दिए रास्तों से बचकर चलने की सलाह। गाजियाबाद में दो बच्चों की एक साथ मौत से घर में मचा कोहराम, मौत से पहले कर रहे थे काम। वेस्ट यूपी में भारी बारिश से जगह जगह भरा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त, अखिलेश ने रद्द की रैली। 4 लाख की सरकारी शिक्षकों के लिए खुशखबरी, सैलरी का ग्रांट जारी, अब नहीं होगी परेशानी। अलीगढ़ जंक्शन पर पटरियों पर बैठे किसान नेता, जोरदार हुई नारेबाजी। कश्मीर में 2 साथियों की हत्या से फैला डर, कश्मीर छोड़कर वापस लौटने की तैयारी में बिहारी मजदूर। कश्मीर के लिंग पर भड़का मांझी का गुस्सा, बोले बिहारियों को 15 दिन मौका दे सरकार सुधार देंगे। औरंगाबाद में चूहों ने कुतर दिए रेलवे स्टेशन के कंप्यूटर के तार, बेटिकट यात्रा को हुए मजबूर लोग। कश्मीर में बिहारी मजदूरों की हत्या पर तेजस्वी ने सीएम नीतीश से की माफी मांगने की मांग, बोले सरकार की नीतियां हैं जिम्मेदार। सरकार उद्यम को मिली आईएमडीबी पर अच्छी रेटिंग, विक्की कौशल बोले आप सबने तो धम मचा दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में चौथी बार ईडी के सामने पेश नहीं होगी जैकलिन फर्नांडिस, टूटी में कर रही शूटिंग। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का खुलासा, वैन से लौटने के बाद ट्रेनिंग सेशन में खूब रोया था। ट्विटर पर भिड़े शोएब अख्तर और हरभजन सिंह, भारतीय स्पिनर ने ऐसे याद दिलाई नानी।